पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज हल्द्वानी में एनएमओपीएस के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर देश के 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए। एनएमओपीएस के बैनर पर पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। आज उसी क्रम में हल्द्वानी उत्तराखंड में कार्यक्रम रखा गया है और आप जैसा देख रहे होंगे पीछे जो शिक्षकों कर्मचारियों का जनसैलाब उमड़ा है, इस बात के लिए है कि हमें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन चाहिए। और 5 राज्यों ने अगर पेंशन बहाल कर दिया तो फिर क्यों ये हमारा जो मामला है एनपीएस हटाने का है, ओल्ड पेंशन को दोबारा से लाने का है जो कि 2005 से हट गई है। श्री अटल बिहारी जी के सरकार थी तो ये हट चुकी थी और तब से ये उद्देश्य है कि हम कर्मचारी संगठन जब इतने सालों तक देश की सेवा करता है तो उसका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। हम केवल सरकारी नौकरी सेवा जो हम करते